हेलो सीनियर केजी क्लास, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. ओके, तो आप सबकी एग्ज़ाम्स कैसी गई? आप सब लोग ने एग्ज़ाम अच्छे से लिखी या नहीं लिखी? ओके, तो आज हम एक्टिविटी वर्कशीट टर्म थ्री की बुक निकालो. सबसे पहले आज हम एक्टिविटी करने वाले. ओके स्टूडेंट्स, सो ओपन योर एक्टिविटी वर्कशीट टर्म थ्री टेक्स्ट बुक. ये वाली टेक्स्ट बुक निकालो एंड ओपन पेज नंबर फोर. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? सर्कल ऑल द पिक्चर्स दैट शोज अ शी. सर्कल ऑल द पिक्चर्स दैट शो शी एंड अंडरलाइन ऑल द पिक्चर्स दैट शोज ही. ओके, अभी सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि शी मतलब क्या होता है और ही मतलब क्या होता है. शी मतलब फीमेल, लड़की, राइट? शी इज अ गर्ल. हम ऐसे ही बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं? ही इज अ गर्ल, नहीं ना, शी इज अ गर्ल बोलते हैं. मतलब शी एक गर्ल को होता है. शी इज फीमेल, लड़किया. शी मतलब लड़की और ही मतलब लड़के. अंडरस्टूड? शी मतलब गर्ल, ही मतलब बॉय. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, तो ये एक्टिविटी में क्या लिखा है कि यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए, राइट? तो इसमें से जो लड़की के पिक्चर होंगे, मतलब शी वाले पिक्चर्स होंगे, उसको सर्कल करना है. जहाँ भी लड़की के पिक्चर्स दिखेंगे उसको सर्कल करना है, और जहाँ भी लड़के के पिक्चर्स दिखेंगे उसको डैश करना है. देखो, सर्कल ऑल द पिक्चर्स दैट शो शी. शी मतलब लड़की. एंड अंडरलाइन ऑल द पिक्चर्स दैट शो ही. जहाँ पे भी लड़के का पिक्चर दिखेगा उसको अंडरलाइन करना है. ओके, फर्स्ट वन, ये लड़का है या लड़की है? लड़का है, राइट? तो इसको अंडरलाइन करो. नेक्स्ट, ये लड़का है या लड़की है? ही है या शी है? शी है, वेरी गुड. तो इसको एक बड़ा सा सर्कल करो. नेक्स्ट, ये ही है या शी है? ही है, राइट? लड़का है, तो इसको अंडरलाइन करो. नेक्स्ट, ये लड़का है या लड़की है? लड़की है, वेरी गुड. So, इसको सर्कल करो. नेक्स्ट, ये लड़का है या लड़की है? लड़का है, तो इसको अंडरलाइन करो. नेक्स्ट, ये लड़का है या लड़की है? लड़का है, तो इसको अंडरलाइन करो. नेक्स्ट, शी और ही लड़का है या लड़की है? लड़की है, तो इसको सर्कल करो. लास्ट, ये लड़का है या लड़की है? लड़का है, तो इसको अंडरलाइन करो. ओके, मैं बताना भूल गई, पहले यहाँ पर आज की डेट लिखो. ओके स्टूडेंट्स, पहले डेट लिखो और फिर ही स्टार्ट करना. आज की डेट क्या है? 10/2/21. ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. अगेन पहले यहाँ पे डेट लिखो, 10/2/21. ओके, क्रॉस आउट एक्स द ऑड वर्ड फ्रॉम ईच रो. ओके, यहाँ पे ऑड मतलब जो एकदम अलग है. ये लाइन में सबसे अलग जो दिखेगा ना, हम रीड करेंगे ना, जो सबसे अलग होगा उसको ऑड बोलते हैं. तो जो ऑड वर्ड होगा उसको क्रॉस करना है. ओके स्टूडेंट्स, ओके, फर्स्ट वन, बी ओ एन ई बोन, सी ओ एन ई कोन, टी ओ एन ई टोन, एफ ई डब्ल्यू फ्यू. अभी इसमें से ऑड वन कौन सा हुआ? बोन, कोन, फ्यू या टोन? एफ ई डब्ल्यू फ्यू सबसे अलग है, राइट? क्योंकि ये सब देखो एनी वाले एंड हो रहे एनी से. बोन, कोन, टोन सबसे अलग कौन सा है? फ्यू. तो इसको क्रॉस कर दो. नेक्स्ट,
एल ए वाई ले, जी आर ए वाई ग्रे, टी आर ए वाई ट्रे, सी यू बी क्यूब। अभी इसमें से ऑड कौन सा है, ले, ग्रे, ट्रे या क्यूब? क्यूब, राइट। तो इसको क्रॉस करो, जो सबसे अलग, जो सबसे डिफरेंट दिखता है उसको क्रॉस करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, एफ ओ एक्स फॉक्स, टी आर ई ई ट्री, एफ आर ई ई फ्री, टी एच आर ई ई थ्री। अभी इसमें से सबसे अलग कौन सा है, फॉक्स, ट्री, फ्री या थ्री? कौन सा अलग है? फॉक्स, राइट। तो फॉक्स को क्रॉस कर दो। नेक्स्ट, जी एल ओ डब्ल्यू ग्लो, एच ओ एल ई होल, एफ एल ओ डब्ल्यू फ्लो, बी एल ओ डब्ल्यू ग्लो। अभी इसमें से सबसे ऑड वर्ड कौन सा है, ग्लो, होल, फ्लो या ब्लो? होल सबसे डिफरेंट है, राइट। तो उसको क्रॉस करो। नेक्स्ट, सी ए के ई केक, बी ए के ई बेक, टी ए के ई टेक, डी आर ए जी ड्रैग। अभी इसमें सबसे अलग कौन सा वर्ड दिख रहा है, केक, बेक, टेक या ड्रैग? ड्रैग सबसे अलग साउंड कर रहा है, राइट। तो इसको कैंसिल कर दो। अंडरस्टूड एवरीवन? जो सबसे ऑड वर्ड था उसको हमने कैंसिल किया है। ओके, नेक्स्ट वन, पहले यहाँ पे डेट लिखो, 10/1/21। ओके, ये एक्टिविटी में क्या लिखा है, यूज द लेटर्स बिलो टू फिल द ब्लैंक्स फॉर ई एन वर्ड फैमिली। ओके, पहले यहाँ पे पिक्चर्स देखो और यहाँ पे ऑप्शंस दिए। यहाँ पे सब वर्ड्स ई एन से एंड होते हैं। ये क्या है, 10/1/10, पेन, राइट, मेन, दो लड़के दिख रहे हैं, राइट, मेन। ये क्या है, हेन, और ये क्या है, डेन। ओके, यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिए हैं, एम, एच, टी, डी, पी। तो ये ऑप्शंस में से हमको चूज करके यहाँ पे लिखना है और करेक्ट वर्ड बनाना है। फर्स्ट वन, 10, 10 की स्पेलिंग क्या है, टी ई एन, 10, राइट। तो यहाँ पे टी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर टी लिखो। नेक्स्ट, पेन, पेन की स्पेलिंग क्या है, पी ई एन, पेन। तो यहाँ पे पी ढूंढो, यहाँ पे पी। नेक्स्ट, मैन, मैन की स्पेलिंग क्या है, एम ई एन, मैन। एम कहाँ पर है, यहाँ पर, तो एम लिखो। नेक्स्ट, हेन, हेन की स्पेलिंग क्या है बच्चा, एच ई एन, हेन, राइट। यहाँ पे एच ढूंढो, यहाँ पर है, तो एच। डेन, डेन की स्पेलिंग क्या है बच्चा, डी ई एन, डेन, राइट। तो डी कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पे डी लिख दो। अंडरस्टूड? यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिए थे, यहाँ पे पिक्चर्स दिए थे, हमको सिर्फ वो ऑप्शंस कहाँ पे यूज होते हैं वो लिखना था, राइट स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा आज की तीनों तीन एक्टिविटी। ये हो जाए, उसके बाद आपका होमवर्क है कि आप 2 का टेबल और 1 का टेबल और 2 का टेबल एक एक बार लिख के मुझे फोटोज़ और वीडियो सेंड करोगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, सी यू।